हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट किया है स्पेशली फॉर दिवाली। तो मैंने दो लुक क्रिएट किए हैं विद डिफरेंट आई लुक और डिफरेंट लिप शेड। आई होप आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सबसे पहले अपना स्किन केयर रूटीन। तो स्किन केयर के लिए मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर चुकी हूँ क्लींजर से और स्क्रबर से। तो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी डायरेक्ट टोनर। तो यहाँ पे मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। तो जिन लोगों के ऑयली स्किन है या जिन्हें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है या फिर जिनको प्रॉब्लम है पिंपल्स वगैरह की, तो वो टोनर कभी भी स्किप मत करें मेकअप से पहले। यहाँ पर मैंने अपना टोनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी सीरम। तो यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का सीरम यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी और B3 सीरम। बहुत ही अच्छा ग्लो सीरम है। इसको अपने हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे मसाज करना है धीरे धीरे। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। डेली स्किन केयर रूटीन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये है निविया का मॉइस्चराइज़र, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है ये। ड्राई स्किन वाले ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। सो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। अब बारी है सनस्क्रीन की। सो यहाँ पे मेरा स्किन केयर हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो मेकअप के लिए सबसे पहले बेस अप्लाई करेंगे। तो बेस के लिए मैं यहाँ पे लूँगी प्राइमर जो कि ब्लू हेवन का। आप स्किप करके एलोवेरा जेल वगैरह भी लगा सकते हैं, वो भी एज अ प्राइमर वर्क करेगा। प्राइमर अप्लाई कर ले रही हूँ। सो ये मेकअप विदाउट फाउंडेशन होगा, बट मैं अपने स्पॉट्स को या अंडर आइज़ को या अपर आइज़ को कंसील करने के लिए केवल कंसीलर का यूज़ करूँगी। थोड़ा सा नेचुरल लुक भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को कंसील करने जा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मेरे स्पॉट्स वगैरह हैं या डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है, सो मैं ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है पूरी फेस पे। तो फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ये लॉरियल का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। तो मैंने अपना फेस सेट कर लिया है। अब इसके बाद करूँगी फेस कॉन्टोरिंग वगैरह। तो इसके लिए मैं कोई पैलेट यूज़ नहीं करूँगी, मैं यही आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी जो मैं अक्सर यूज़ करा करती हूँ। तो इसके लिए मैं ये डार्क शेड इसमें से अप्लाई करूँगी फॉर कॉन्टोरिंग। तो ये डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है उसमें से आप डार्क कलर लेके अच्छे से कॉन्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही लाइट हाथों से बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग करनी है। जहाँ जहाँ मैं आपको बता रही हूँ वहाँ वहाँ कॉन्टोरिंग करना है अच्छे से। और कॉन्टोरिंग के लिए भी वीडियो मैंने शेयर कर दी है, पोस्ट कर दी है मैंने, और आई होप आप लोगों ने देखी ज़रूर होगी कि आप को अपने फेस के अकॉर्डिंग कैसे अपना फेस कॉन्टोर करना है। तो यहाँ मैंने कॉन्टोरिंग कर ली अपने फेस की। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माय नोज़। नोज़ के लिए मैं इसको ऐसे ही अपने फिंगर पे ऐसे करके हल्के हाथों से इस तरह ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने नोज कॉन्टोरिंग कर ली है। इसके बाद बारी है ब्लश की। तो ब्लश के लिए मैं ये और ये शेड मिक्स करके अप्लाई करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो मैं ये दोनों शेड मिक्स करके एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी।
Now smile and blush your cheeks. हाइलाइटिंग के लिए मैं ये शिमरी शेड अप्लाई करूँगी, बहुत ही लाइट कलर का है। तो मैं ये ब्लू शेड लूंगी क्योंकि मैंने ब्लू कलर पहना है। आप कोई भी शेड ले सकते हैं। सो मैंने ये ब्लू शेड अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से हल्के हाथों से। तो ये स्मोकी आई लुक सा क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद मैं नीचे स्मच कर दूंगी इसी कलर को। तो आई एम गोइंग टू फिल माई आईब्रोज। मैं ये लाइट ब्राउन शेड से अपनी आईब्रोज फिल करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है मेरी आईब्रोज। अपनी लिड पे ये थोड़ा सा लाइट ब्लू शेड अप्लाई करूँगी। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी आई मेकअप है ये। बस आपको एक बेस लेकर पूरे लिड पे अप्लाई कर लेना। बाद में कोई भी शेड जो आपको पसंद हो वो अपनी लिड पे अप्लाई कर लीजिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थिक आईलाइनर या विंग आईलाइनर नहीं ड्रॉ करने जा रही हूँ। मैं सिंपल सा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। सो मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं इनर कॉर्नर और थोड़ा सा आईब्रो को हाईलाइट कर लूँगी। तो उसके लिए मैं इसी पैलेट से हाइलाइटर पिक कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई मस्कारा। सो दिस इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं ये न्यूड सा शेड अप्लाई करूँगी। सो गाइज आई एम डन विद माई मेकअप लुक। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट आई मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई अनदर मेकअप लुक विद अनदर लिप शेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपने आई मेकअप रिमूव कर दिया है और कंसील भी कर लिया है आईज़ को और लिपस्टिक भी रिमूव कर दी है। अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ अनदर आई मेकअप लुक फॉर दिस ड्रेस। सो फॉर दिस ड्रेस तो सबसे पहले मैं ये हाइलाइटर शेड अपनी इनर लिड पे अप्लाई करूँगी। ब्लू शेड लेके इसको अपने आउटर वे पे ऐसे धीरे धीरे प्लेस करना है। सो अब हल्का सा ये शेड अपने लो साइड्स पे भी स्मज कर देंगे। अंदर तक नहीं लाना है, केवल यहाँ पे साइड तक ही करना है। सो
सो हेयर नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई आई लाइनर. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ विंग्ड आई लाइनर. बहुत ही प्यारा सा विंग्ड आई लाइनर ड्रॉ कर लिया है. अब मैं लगाऊंगी मस्कारा जो कि है मेबलिन का. तो यहाँ पे मैंने अपनी लैशेस को कर्ल कर लिया था, उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ. यहाँ मैं फॉल्सेस नहीं लगाऊंगी और उसी मस्कारा के वॉन्ड से अपनी आईब्रोज भी सेट कर लूँगी. बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी इससे. सो गाइज, दिस इज़ द सेकेंड फाइनल लुक. आई होप आप लोगों को ये लुक भी ज़रूर पसंद आ रहा होगा. सो मैंने यहाँ पे बेला वोस्ट की लिपस्टिक अप्लाई की है जो कि ये बुलेट लिपस्टिक, बहुत ही प्यारा शेड है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, लव यू ऑल.